हेलो गाइस, स्क्रीन पे जो आप इस लड़के को देख रहे हैं इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। गाइस, इसका नाम है रोहित, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। गाइस, इसका जन्म 9 अप्रैल 2000 को हुआ था। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। गाइस, इसके फैमिली में अभी 3 लोग हैं, रोहित और इनके बहन और उनके माँ। गाइस, इनके पिता का डेथ हो गया है जिसके कारण इसके फैमिली में अभी 3 लोग हैं। गाइस, इनके पिता जब जीवित थे तब ये सिर्फ दारू पिया करते थे, घर को नहीं संभालता था और इसके बीवी को तंग किया करता था, यानी कि रोहित की माँ को तंग किया करता था, जिसके कारण रोहित की माँ तंग आकर रोहित के पिता से अलग हो गए। रोहित की माँ ने एक नई नौकरी ढूंढ ली जिसके बाद रोहित और उनकी बहन की देखभाल करने लगी। और गाइस, रोहित की पढ़ाई कम्प्लीट होने के बाद रोहित ने आगे की पढ़ाई करने की सोची, लेकिन उसके पास उतना पैसा भी नहीं था जिसके कारण उसने एक कपड़े के दुकान में एक सेल्समैन के काम पर लग गए। और रोहित ने कपड़े की दुकान में बहुत दिनों तक काम किया। उसके बाद उसके फ्रेंड ने उसे टिकटॉक के बारे में बताया। गाइस, उसके पास उस समय मोबाइल भी नहीं था जिसके बाद रोहित ने एक पुराना अच्छा कैमरा वाला मोबाइल लिया और उसी से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। गाइस, इसे देखते देखते वो बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन एक भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा था जिसके कारण वो फिर से काम पर ध्यान देने लगा और टिकटॉक को छोड़ दिया। उसके बाद उसके दोस्त फिर से सहलाने लगे, उसे समझाने लगे कि तुम दूसरा आईडी बना लो। फिर रोहित ने दूसरा आईडी बना लिया और उस आईडी पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते उसका वीडियो वायरल हो गया। गाइस, जिस भी वीडियो को अपलोड करता था वो वीडियो वायरल होने लगा था। उसके बाद दोस्तों कुछ ही महीनों बाद वो 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए। उसके बाद उसने वो नया मोबाइल खरीदा और उसे से वीडियो शूट करने लगा। उसका वीडियो इतना वायरल हुआ कि नीता ने उसे मैसेज की। नीता एक टिकटॉकर है, क्योंकि गाइस उस समय नीता बहुत फेमस थी, और रोहित को मैसेज करना स्टार्ट किया और रोहित ने भी सब काम छोड़कर उसकी मैसेज की रिप्लाई करने लगा। और नीता ने उसे मुंबई बुलाया और रोहित भी मुंबई चला गया और दोनों एक साथ टिकटॉक पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। गाइस, कुछ साल बाद जब टिकटॉक बैंड हो गया तो दोनों इंस्टाग्रामर पर भी आ गए। गाइस, इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। गाइस, उनका फैन फॉलोइंग इतना था कि इंस्टाग्राम पर भी वीडियो वायरल होने लगा और बहुत तेज़ी से इंस्टाग्राम पर फॉलो बढ़ने लगा। और गाइस, कुछ दिन बाद दोनों में कुछ हुआ और दोनों अलग हो गए, जिसके बाद अभी रोहित अकेले अकेले वीडियो बनाते हैं। और गाइस, अभी की डेट में रोहित के 22 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स। तो गाइस, यही थी कुछ जानकारी रोहित के बारे में। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।